एवरीवन, देखिए ये है पहाड़ की फेमस उत्तराखंड की प्याज के पत्तों की कड़ी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी रेसिपी में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ स्पेशल सी रेसिपी। हो सकता है अगर आपका रेस्टोरेंट जाने का मन हो तो मूड चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस तरीके से हमने प्याज के पत्तों को चॉप कर लिया है और साथ में ही मैंने ले लिए हैं 2 अनियन। अब मैं इनको भी इस तरीके से चॉप कर लूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए आप साथ साथ में अभी आप जब कड़ी को बना लेंगे तो साथ में और चीजें भी रेडी कर लेंगे, बट आपको शुरुआत में इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से रेडी कर लेना है, क्योंकि आपको सारी चीजें सब अभी देखेंगे साथ साथ में ही ऐड ऑन कर लेनी होंगी। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें रेडी करना है बैटर। बैटर रेडी करने के लिए देखिए गाइस, मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया है। बेसन में मैं ऊपर से ऐड कर लूंगी बटर मिल्क को, जो भी छाछ होती है इसमें मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस, आप जरूर इसको घर पर ट्राई कीजिए। एंड गाइस, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी आप देखेंगे इसका टेक्सचर एकदम सा अलग सा हो जाएगा, मैंने जो शुरुआत में दिखाया था आपको उसी तरीके से। देखिए हमने इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें वाटर भी ऐड कर लिया है क्योंकि मेरे पास आज जो बटर मिल्क है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल था। तो गाइस देखिए, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल को। देखिए इस तरीके से मैंने कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। आप ऑयल इसमें कम क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे क्योंकि अभी आप देखेंगे लास्ट में ऑयल भी ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए गाइस, इस तरीके से ऑयल गर्म हो रहा है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए नहीं हैं तो गाइस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप नए भी हैं तो गाइस फिर भी चैनल को शेयर कीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर लिया है करी लीव्स और जीरा को, जो करी पत्ता होता है। देखिए गाइस, जब मैंने जो बारीक तरीके से कट कर लिए थे अनियन और उसके पत्ते, देखिए इस तरीके से ऐड कर लिए हैं। फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपको इसमें ऐड कर लेना है हल्दी पाउडर को, क्योंकि हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ ये जल्दी ही फ्राई हो रहा है। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आपको इसको मिक्स करते रहना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस, जरूर ट्राई कीजिए। देखिए अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है हल्दी पाउडर को, इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एंड गाइज, अगर कोई घर में अगर वेजिटेरियन वाले मेहमान आने वाले हैं तो गाइज आप इसको जरूर बनाइए। देखिए इस तरीके से मैंने जो बैटर रेडी करके रख लिया था इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइज, अभी जो इसका कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इसमें वाटर ऐड कर लिया है क्योंकि हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक कुक करने वाले हैं। जब हम कुक करेंगे तो आपको सबको पता है कि इसकी क्वांटिटी अपने आप में ही कम हो जाएगी। तो देखिए गाइस, जब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लिया है और साथ में ही मैंने ऐड कर लिया है सॉल्ट को, बस इतने ही मसाले हमें ऐड करने हैं। इसके बाद अभी आप देखेंगे लास्ट में इसका कलर एकदम अलग सा आएगा, एकदम कलर इसका चेंज हो जाता है। और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। देखिए गाइस, टाइम के साथ साथ में ही इस तरीके से कुक हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए आपको गैस की फ्लेम को अगर आपको ज्यादा रखना है तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसको मिक्स करते रहना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कुक हो रहा है, अभी आप देखेंगे इसका कलर एंड टेक्सचर अपने आप में ही चेंज हो जाएगा। देखिए इस टाइम के साथ साथ कलर भी इसका चेंज हो रहा है। अब गाइस देखिए, मैंने इसमें ऐड कर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च को इस तरीके से। कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करने के बाद गाइस देखिए इस तरीके से ये कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, देखिए बन के रेडी है। तो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ, अब रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड गाइस आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको भी जरूर लगेगा कि हाँ आप सच में यूजफुल है। जब आप टेस्ट करेंगे तो ही आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो गाइस उसके लिए आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर आपको पसंद आए तो गाइस
अपने दोस्तों को या फिर फैमिली में किसी को भी आप शेयर कीजिए कि आपने भी इतना टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाया। तो गाइस, तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और रेसिपीज को ट्राई करिए। एंड गाइस, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।